हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट एपिस्टेक्सिस एपिस्टेक्सिस को हम क्या बोलते हैं नोज़ ब्लीड जो हमारा नोज है जो नेजल सेप्टम है ये एक हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है या तो डायरेक्ट ट्रोमा की वजह से फोरन बॉडी इंसर्शन नोज प्लिकिंग म्यूकोसल मेमरिन इन्फ्लामेशन अगर किसी बेबी को किसी चाइल्ड को या किसी एडल्ट को नोज ब्लीड है तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे सबसे पहले हमें काम रहना है ठीक है सेकेंड हम उसको पोजिशन देंगे सीटिंग पोजिशन विद लीन फॉरवर्ड और फाउलर पोजिशन विद लीनिंग फॉरवर्ड कि हमें पेशेंट को बिठाना है और आगे की ओर झुकाना है ताकि जो ब्लड है वो हमारा नीचे ड्रॉप डाउन हो इफ वी आर गिविंग इफ वी आर नॉट लीनिंग फॉरवर्ड तो क्या होगा अगर पेशेंट बैकवर्ड में गया तो क्या होगा एस्पिरेट कर जाएगा उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें सीटिंग अप देनी विद लीनिंग फॉरवर्ड कंटिन्यूअस प्रेशर अप्लाई करना है टू द नोज द फोर फिंगर फॉर टेन मिनट्स नेक्स्ट पॉइंट हमें जो याद रखना है वो है हमारा नो लाइंग डाउन पोजिशन इंसर्ट कॉटन और वेडिड टिश्यू टू ईच नोस्टिल एंड अप्लाई आइस और कोल्ड क्लोथ टू द नोज इंग डाउन पोजिशन हम नहीं देंगे अगर डाउन देंगे तो पेशेंट एस्पिरेट होने के चांसिस है नेक्स्ट क्या है अगर किसी पर्सन को 10 मिनट के बाद पिंच करने के बाद भी अगर ब्लड आ रहा है तो हम क्या करेंगे आइस पैक या फिर कोल्ड क्लोथ को अप्लाई करेंगे आफ्टर इंसर्शन ऑफ कॉटन और वेडिड टिश्यू इवन दो ये सब करने के बाद ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई है तो हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करेंगे और अंडरलाइन कोज को फाइंड आउट करेंगे So this was related with apistexis, also known as nose bleed. Thanks for watching. Do like, comment, share, and subscribe. Thank you.